दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं वोटर आईडी कार्ड के बारे में। अगर आपकी प्रॉब्लम है कि आपका वोटर आईडी कार्ड बीएलओ वाले ऑप्शन पर ही आकर के रुक गया है या फिर आपका बीएलओ वाला ऑप्शन जो है ये अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ तक जो है अभी आपका स्टेटस नहीं आया है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। काफ़ी लोगों के मैसेज मुझे इस तरह के देखने को मिलते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर कोई करेक्शन की थी, किसी चीज़ में करेक्शन की थी, लेकिन अभी जो है हमारी जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ सबमिट दिखा रही है, उसमें जो है बीएलओ वाले ऑप्शन तक वो अभी तक नहीं गया है, काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई हमने अपना न्यू के लिए अप्लाई किया था, यानी कि न्यू वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए अप्लाई किया था और हमारा जो फॉर्म है वो सिर्फ सबमिट पर ही अटका हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है और ये जो बीएलओ वाला ऑप्शन है ये हमारा अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ है, ये ग्रीन नहीं हुआ है। काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम है कि बीएलओ वाला जो है वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, वहाँ तक हमारी जो है फाइल नहीं पहुँच पा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है और आगे कैसे जाएगी, सब कुछ जो है अगर आप जानना चाहते हो और आपकी ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में आपको बने रहना है, एंड तक देखना है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, सही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये प्रॉब्लम आपकी कैसे सॉल्व होगी ये भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद एसएस यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब आप जो है कोई भी करेक्शन करते हो अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर, या फिर आपने करेक्शन नहीं किया, आपने न्यू के लिए अप्लाई किया, न्यू वोटर आईडी कार्ड बन जाए उसके लिए आपने अप्लाई किया, तो आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद में आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है जिससे आप अपने वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस पता कर सकते हो, जिसमें जो है ना आप बराबर में दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये सारी जब सेलेक्ट हो जाते हैं ग्रीन हो जाते हैं, बाद में लास्ट वाले में ये एक्सेप्ट हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि हमने जो काम अपना किया था वो सक्सेसफुली हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सबमिट होने के बाद में फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला जो ये येल्लो वाला ऑप्शन है ये यहाँ तक जो है हमारी जो है जो हम फॉर्म सबमिट करते हैं यहाँ तक नहीं आता है, ये सेलेक्ट इसको ग्रीन जो है वोटर आईडी कार्ड वाले नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक हमारी फाइल जो है अभी तक नहीं आई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये ग्रीन क्यों नहीं हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इलेक्शन के टाइम पर ये काम किया है, इलेक्शन के टाइम पर जो साइट है वो बंद रहती है, उसमें कोई वर्क वगैरह नहीं होता है, अगर आपने अपनी जो फाइल जो है वो डाली है, यानी कि जो आपने रिक्वेस्ट डाली है, चाहे वो न्यू के लिए डाली है चाहे वो करेक्शन के लिए डाली है, इलेक्शन के टाइम पर अगर आपने ये चीज़ की है तो आपका जो है ये पेंडिंग ही पड़ा रहेगा, सबमिट ही दिखाता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर इस साइट पर काम नहीं होता है किसी के भी, ना ही तो करेक्शन एक्सेप्ट की जाती है, ना ही न्यू के लिए जो हम डालते हैं उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें वेट करना होता है 1 से 1.5 महीने का, जैसे कि इलेक्शन अभी पूरे हो गए हैं तो अब साइट जो है धीरे धीरे चलेगी, अब यहाँ पर काम होना स्टार्ट होगा, तो अधिकारी लोग जितने भी होते हैं जिन कामों को करते हैं वो सब अपने अपने कामों पर बैठ जाएंगे और वो उसको करेंगे। तो अब यहाँ पर बात आती है कि जो टाइम हमें लगता है वो इसीलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट होती है, यहाँ पर जो हम अपना ये डालते हैं, तो इसमें जो है हमें टाइम इसी वजह से लगता है क्योंकि ऊपर से ही साइट में प्रॉब्लम चलती रहती है या फिर जो है ऊपर से साइट बंद होती है, तो इसमें जो है तभी काम नहीं हो पाता है, इस वजह से हमें टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं होगा, होगा, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कभी कभी जब साइट में काम वगैरह चलता रहता है, प्रॉब्लम चलती रहती है, तो 1 से 1.5 महीना भी लग जाता है, उससे ज़्यादा भी लग जाता है, तो बस आपको वेट करना होता है और उसमें और कुछ नहीं करना है। जब आप वेट कर लोगे उसके बाद में आपका काम हो जाएगा। और इससे अलग अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है, कुछ जानना है वोटर आईडी कार्ड के बारे में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, फॉलो करके मैसेज करना, अपनी प्रॉब्लम बताना, जो भी वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है तो मैं वहाँ पर भी आपसे बात करूँगा, बात करने के बाद में आपका जो भी सवाल होगा उसका जवाब दे दूँगा, उसके बाद में जो है आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।